एक्चुअली सर बाइजूस में क्या हुआ था, मैंने तो 3.5 लाख का सेल कर दिया था। 3.5 लाख वहाँ पे? अच्छा, सेल्स कर लिया। या एक्चुअली वहाँ पे टारगेट था कि 1 लाख करना। 1 लाख टारगेट करोगे तो आपको 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। और दूसरी बात क्या थी, 1 लाख नहीं किया जो भी सेल किए 1 लाख से कम, उनकी एक कंडीशन थी कि 1 लाख का सेल किया तो 10 लाख पैकेज, और नहीं किया तो कम से कम 2 सेल होने चाहिए तो आपको 7 लाख। अच्छा, एक काम करोगे, स्टार्टिंग से बताओगे आप ज्वाइन कब हुए? तो पहले उनका एक मेल आया, मैंने फॉर्म फिलअप किया, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये बायजूस क्या है, पीडीए रोल क्या है। फॉर्म भरने के बाद तुरंत 1 घंटे के बाद मुझे कॉल आया, इंट्रोडक्शन दिया पूरा, आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, पास आउट कहाँ के हो, एक पूरी सारी चीजें बताई और बायजूस के बारे में बताई कि वर्किंग डेज कैसा रहता है कम्पेयर टू अदर्स, मंडे टू सैटरडे फ्राइडे जैसा दूसरे आईटी कंपनी का रहता है सैटरडे का, तो बायजूस का थोड़ा अलग रहता है कि मंडे और ट्यूजडे को उनका ऑफ रहता है और 5 दिन वर्किंग रहता है ऑफिशियली। और ऑफिशियली उन्होंने बताया कि 5 दिन वर्किंग, और टाइम वगैरह बताया नहीं था क्योंकि 12 घंटे या 14 घंटे काम करना पड़ेगा। और उसके 2 दिन बाद मुझे फिर एक कॉल आ गया, उन्होंने कहा आप जो इंटरव्यू दिया था उसके लिए सेलेक्ट हो गए, आपको एक और इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये वीडियो कॉल पर होगा गूगल मीट पर। तो इंटरव्यू का टाइम 5 बजे का टाइमिंग था सर, मैंने 5:30 बजे तक वेट किया और 5:30 बजे मेरा इंटरव्यू चालू हुआ और कम से कम 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला। जो फैमिली बैकग्राउंड है ना पूरा चेक किया और पूरी सारी चीजें, और उन्होंने सब अच्छा देने के बावजूद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, आप सेलेक्ट नहीं, मैं आपको सेलेक्ट नहीं करूंगा। और उन्होंने उसके बाद हाँ इंटरव्यू में ही बोला, कम से कम 45 मिनट होने के बाद में बोला कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे एक मौका दीजिए। उनका तो पहले से ही फॉर्मेट था कि ऐसे बोलने का, आप सेलेक्ट नहीं हुए मैं आपको हायर नहीं कर सकता। अच्छा, आपके दिमाग के साथ खेलता है हर एक इंटरव्यू, आपके पास पेशेंस है कि नहीं है, कि आप कॉल काट देते हो नहीं काट देते हो, यही चीजें जानने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। वो बोला कि मैं आपको 10 मिनट दूंगा, आप उसमें मैं कंडीशन दूंगा, लाइक वो बोले कि मैं बच्ची के लड़की का बाप हूँ और मुझे एक लैपटॉप भेज कैब भेजना है, तो आप मुझे कैसे भेजोगे, और मैं मेरा लड़का बहुत अच्छा है सब सब्जेक्ट में तो मुझे कैसे भेजोगे। तो मुझे घुमाने का काम तो आता था कि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो सेल्फ से रिलेटेड, लाइक मेरा पापा का कारोबार है, उससे बिजनेस है मैं संभालता था, उसमें मुझे तो इजी था ना क्योंकि कस्टमर से बातचीत कैसा करें, कन्विंस कैसा करने का। तो उसके बाद वो बोला कि मैं आपकी प्रोफाइल होल्ड पर रखता हूँ। उसके 7-8 दिन बाद मुझे 11 बजे उनकी तरफ से मेल आ गया, कांग्रेचुलेशन, वी आर स्टिल इन्फॉर्म टू यू आर सेलेक्टेड। हाउ ओल्ड आर यू? 24। तुरंत बाद 11 बजे तब मुझे उनकी तरफ से कॉल आ गया, एचआर की तरफ, आप सेलेक्ट हो गए, आपका एक रिज्यूमे मुझे शेयर करो और 10वीं के मार्कशीट रहते, 12वीं और डिप्लोमा हो, डिग्री हो, पूरे जो डॉक्यूमेंट है ना उसकी मार्कशीट शेयर करो, प्लस अपना बैंक अकाउंट नंबर, पासबुक नंबर, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका पूरा एड्रेस, आपके भाई का नाम, आपकी फैमिली में कितने, पता नहीं ना, उन्होंने पूरा जो फैमिली का है ना, फैमिली का पूरा नाम ले लिया था उन्होंने, पिताजी क्या करते हैं वगैरह भी वो चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, उनका एक्विजिशन क्या है, भाई क्या करता है, उनकी एज क्या है। ओके। और पिताजी का ये आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है? पिताजी का आधार कार्ड पैन कार्ड एज अ नॉमिनी बोल के रहता है। नॉमिनी? हाँ नॉमिनी, मैंने वो भर दिया। ऑनबोर्डिंग तो अच्छे से हो गई और ऑनबोर्डिंग 29 सितंबर को थी और मैंने पुणे से ज्वाइन किया था, मगर पता की थी। नहीं नहीं सर, मैं दूसरे गांव से रहता हूँ, लेकिन मुझे तो अटेम्प्टेशन भी चाहिए था, मैंने बोला था भी सारी चीजें, और जो सिक्योरिटी गार्ड रहते ना वो बताता हूँ ना सर थोड़ा आगे। बहुत सारे लोग थे मेरे साथ जो ज्वाइन होने वाले थे, कम से कम 40 लोगों की बैच थी। और पहले दिन हमारा इंट्रोडक्शन और जो बायजूस की टर्म्स एंड कंडीशन है ना उसका एक कंसेंट था, और उसके बाद एक इंडक्शन का प्रोग्राम था बायजूस के बारे में। और दूसरे दिन से बुधवार से ज्वाइन हुआ, ट्रेनिंग थी, जॉब की ट्रेनिंग थी, लाइक
टीचिंग कैसे करना, प्रोडक्ट हमें कैसा कस्टमर को बेचना, और बायजूस में हर एक टेक्निक बताई जाती है। माइंड गेम खेलना जाता है, माइंड गेम खेला जाता है कि बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ। मुझे हाँ, इसका भी ट्रेनिंग रहता है। लाइक एक तो हमें भी, हमारे साथ भी खेला था वहाँ तक। उन्होंने सादा सीधा सिंपल सवाल किया था, 2 अंडर 2 क्या रहता है। हमें तो, मैंने तो बोला इजी है, 2 अंडर 2, 2 टू द 4, लेकिन उन्होंने बताया कि एक गलत है। तो मैंने बोला हाँ वो कैसे गलत होगा, तो उन्होंने बताया 2 1s are 2 होता है, 2 2s are 4 होता है। ऐसे थोड़े ही क्वेश्चन एमपीएससी को, यूपीएससी को पूछे जाते हैं ना, उसी तरह से वो अटका देते हैं बच्चों को। नहीं, 1s are 2, तो हम लोग 1s are 2s are ऐसे सीखते हैं। हाँ हाँ, हम ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में बताया 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are। यस, अच्छा ओके। और मैंने इसका इस्तेमाल भी किया है सेल के बारे में, और वहाँ हर एक बच्चा अटक जाता है। और मैंने उनको यही बोल के अटकाया कि आपको यही बेसिक नहीं आ सकता, और आप आगे जाके क्या कर सकते हो, क्योंकि आज आगे जाके आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आपका एक मूल्यमापन होगा, और आपको कैसे लेंगे वो लोग। ये सारी चीजें माइंड गेम्स, ये बायजूस जो रहते ना, वो माइंड गेम्स की, जो माइंड जो रहता ना, वो रीड करने का, लाइक वो कैसे बिहेव करते, वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर कैसा देना है, उसको फंसाना कैसे। लाइक समझो वो बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, बायजूस जो कस्टमर है ना, बोलेगी तुम, मेरे पास पैसा नहीं, तो हम क्या करेंगे। वो मैम ने बताया कि आपके पास पैसा नहीं तो ठीक है, मैं मेरा पैसा देता हूँ आपको, आपके बच्चे की भविष्य की चिंता नहीं हो, आपको आपकी चिंता होगी, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है ना सर, बच्चों को नहीं समझ में आता ना क्या करना है क्या नहीं, ऐसा उनको बोला जाता है उनके पिताजी को। पिताजी भी वहां पे थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं ना, शर्मिंदा भी हो जाता है, और हर एक बच्चों को टैब अच्छा लगता है, मोबाइल वगैरह अच्छा लगता है, तो बच्चा बोलता है, जीत कर बैठता है, और उनकी मम्मी भी जीत कर बैठती है कभी कभी, तो पापा को तो लेना ही पड़ता है, वो टैब है, लेकिन ये सब देख के वो लोग राइट के बच्चा बच्चे करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, बच्चे का डेली रिपोर्ट एक पेरेंट कनेक्टेड ऐप होगा, वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा, और आपको एक पूरा उसका जो डेली का जो आएगा ना एनालिसिस, आपका पूरा जो है ना, उसने क्या किया, कौन सा एप्लीकेशन है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। लाइक वो बोलते थे, बायजूस वाले बोलते थे कि एक यूट्यूब का एप्लीकेशन है, हम ब्लॉक कर देंगे, हमारी तरफ से वो कर देगी, लेकिन एक ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं रहता, फिर आप अच्छा, इसको अच्छा, और इधर उधर नहीं जाएगा, वो सिर्फ हमारा कंटेंट देखेगा ऐसे। हाँ हाँ, ब्लॉक करने की बात मतलब वो और कुछ नहीं देखेगा, सिर्फ हमारा कंटेंट देखेगा। हाँ, ये जो हम दिखाएंगे वही देखेगा। और हमें उधर जाके क्या बोलना था, जो हम फोन करते हैं ना बच्चे को, उनके पिताजी को, घर वाले को, तब हमें टीचर बोल के बात करना पड़ता था, टीचर लाइक तो कोई भी ट्रिक दिए। में अगर वो पूछते हैं कौन से स्कूल में टीच करते हो, तब सर क्या कहते थे, सर मैं एक IIT का स्टूडेंट था, मेरा 2015 में ज्वाइनिंग किया है बायजूस, मैं कम से कम, मुझे 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, और मैंने आपकी तरह की तरह कम से कम 2000 या 4000 बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, ये एक्सपीरियंस बताया जाता था। और मैं बायजूस में पढ़ाता हूँ, जो कि मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ऐसा बोला जाता है, लाइक क्विक आंसर, कौन सा भी क्वेश्चन हो ना उसका क्विक आंसर दिया जाता है, क्योंकि वो जो सारी चीजें है ना हमें पहले से ही बताई जाती है। लाइक जब भी मैं फोन करता था ना बायजूस के, वहां से एक एप्लीकेशन रहता है लीड स्क्वेयर, वहां पे हमें हमारा अकाउंट बनाया जाता है, वहां से हमें लीड्स मिलती है, और एक बायजूस का और एक सर्च है, हमने बायजूस का एप्लीकेशन लिया अंदर मोबाइल के, तब वहां पे अपना पूरा मोबाइल का, कौन सा मोबाइल है, लोकेशन पूरा, ये पूरा बायजूस को जाता है सर, आपका लोकेशन हर चीज जाता है, मोबाइल का मॉडल कौन सा है ये भी जाता है, ये तो पता नहीं, EMI नंबर जाता है, आप जो कॉल करते हो वो लॉग होता है करेक्ट, कितने आवर्स के लिए कर रहे हो वगैरह। हाँ वो तो रिकॉर्डेड होता है। बीच में अगर पर्सनल कॉल आ गया, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, तो उनको वो भी जाता है या वो नहीं जाता है बायजूस को? वो नहीं जाता, नहीं वो नहीं जाता, मतलब यू हैव अ चॉइस के आप सिस्टम को यूज कर सकते हो कि ये मेरा कैजुअल कॉल है और ये मेरा प्रोफेशनल कॉल है। नहीं ये कुछ नहीं, लाइक जैसे कि हम व्हाट्सएप का नंबर रहता है ना सर, लाइक मैंने व्हाट्सएप ज्वाइन किया और वहाँ पे हमें OTP आता है, जब ज्वाइन करते वक्त मैं नंबर डालता हूँ तब मुझे OTP आ जाता है ना, तब हम जो नंबर आता है ना, लाइक हम तब एक्सेप्ट करते हैं OTP और डालते हैं और
व्हाट्सअप खोल देते हैं. लाइक उसी तरह जब बायजूस का एप्लीकेशन करते हैं ना, तो वहाँ पे आपका मेल वगैरह मांगते हैं वहाँ पे. और वहाँ पे पहले क्या करते थे, फ्री डेमो रहता है वहाँ पे बायजूस में. अब समझो सर फ्री में है तो सब बच्चे यूज करेंगे ना, चार दिन पांच दिन. ये लालच दी जाती है पहले, और उसकी तरफ से लालच देके वो जो कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट मिलते हैं उनको पूरे कॉन्टेक्ट. हाँ, फ्री डेमो का लालच देके कॉन्टेक्ट वगैरह ईमेल वगैरह मिल जाते हैं उनको. उसके बाद क्या करते हैं, बच्चों को हर एक दिन कॉल आता है उसका कुछ और होगा ना, वो अलग टीम. यस सर वो टीम अलग रहता है. वो टीम बैंगलोर में रहती है, जो हेडक्वार्टर है ना वो बैंगलोर में रहते हैं. वहां से हमें 25 लीड दिए जाते हैं, वो लीड्स के अकाउंट रहता है. और सर हम कॉल करते हैं, उस डिवाइस का नाम रहता है एमईओ से कॉल करते हैं. और हमें क्या बोलता है सर, जो बायजूस का एक और एक है, ईच एंड एवरी डे को आपको कम से कम 2 घंटे बोलना पड़ता है. 2 घंटे बोलना, ये तो ठीक है सर, कॉलिंग करना पड़ता है. हाँ, 2 घंटे को कॉलिंग करना ही पड़ेगा. लेकिन एक घंटा 59 मिनट 30 सेकंड भी हो गए ना, आपको जो तनख्वाह है ना आपकी काट दी जाती है. अच्छा. और उसमें एक कंडीशन रहता है कि कम से कम 20 कनेक्टेड कॉल होने चाहिए, और 20 कनेक्टेड कॉल कम से कम उनका टाइम कम 2 या 3 मिनट होना चाहिए हर एक कॉल का. हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, सपोज एक ही पेरेंट के साथ 20 मिनट का कॉल हुआ. नहीं, 20 मिनट का नहीं सर, 20 कनेक्टेड कॉल होने चाहिए. जैसे कि उनका टाइम कम से कम, मैंने आपसे 3 मिनट बात की ना, उनको एक कॉल काउंट किया जाएगा, ओनली वन कॉल. ऐसे 20 कॉल होने चाहिए. आप मेरे साथ 30 मिनट के लिए कंटिन्यूअसली अगर बात करते हो तो उसको 10 कॉल गिना जाएगा? नहीं, एक ही गिना जाएगा. एक ही गिना जाएगा. तो सपोज 3 मिनट से ज्यादा बात करोगे तो उसको एक ही कॉल गिना जाएगा? यस सर एक ही कॉल गिना जाएगा. तो मेरे साथ अभी, मैं पेरेंट हूँ, ओके, सपोज आई एम पेरेंट, अभी तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, टू कन्विंस मी टू टेक बायजूस पैकेज, उसके लिए आप मेरे साथ सेशन फिक्सअप करने के लिए मुझे कॉल करते हो. सपोज मैं आधा घंटा लगाता हूँ आपके साथ बात करने में, तो आपका 2 घंटे के परफॉर्मेंस में से आधा घंटा इसमें हो गया है या नहीं हुआ? नहीं सर. अच्छा, तो सिर्फ 3 ही मिनट? मेरा सिर्फ 3 मिनट. यस सर, ये जो कनेक्टेड कॉल क्या रहता है ना, उसके लिए एक ही चुना जाएगा कि आपका एक ही कनेक्टेड कॉल है. तो आपने 2 घंटे बात की, 3 घंटे, ये कुछ मायने रखेगा? एक ही कनेक्ट है और मेरे जैसे 20 कॉल करने पड़ेंगे, ये बात है, और 20 कॉल, अरे महीने, ये वो लगेगा. और कभी कभी क्या होता है सर, ये एमईओ का प्रॉब्लम रहता है, मेरे साथ भी हुआ और मेरे कलीग के साथ भी हुआ. एमईओ के प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, कॉल एमईओ इज द डिवाइस टू कनेक्ट विथ, लाइक ये लीड्स के से कनेक्ट होता है डिवाइस, लीड्स आते हैं, लाइक जो फोन नंबर रहता है, लोकेशन रहता है, वहां से हम कॉल करते हैं जो कि एमईओ पर जाता है, और एमईओ से क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं, तब जाके आपको लगता है. एमईओ एक कॉलिंग का डिवाइस है जो कि सर क्या करते हैं, एमईओ मतलब AMYO, AMEYO. और कम से कम सर 180 डायल कॉल होनी चाहिए. डायल कॉल होने चाहिए, मैं समझा नहीं. लाइक सर मुझे दो क्राइटेरिया समझ में आया है. एक क्राइटेरिया ये है कि 120 मिनट होना चाहिए, ठीक है. यस. दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 3 मीटिंग होने चाहिए, 3 सेशन होने चाहिए. 2 सेशन या 3 सेशन पर डे? 3 सेशन. ट्रेनिंग के टाइम पे 2 सेशन, नहीं तो सर एसोसिएट के लिए 3 सेशन, करेक्ट? यस सर. बिजनेस और डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए 3 सेशन होना, 3 मीटिंग होना चाहिए पर डे. और अगर 3 मीटिंग फिक्सअप नहीं कर पाए तो इसका मतलब यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट फॉर द होल डे. यस सर. और एक रहता है कि तीसरा जो क्राइटेरिया रहेगा ना, 180 कॉल डायल होने ही चाहिए. 179 भी होगा ना, 80 कॉल डायल होना चाहिए. हाँ. अभी एक तो 120 मिनट के लिए बात करोगे, ये एक क्राइटेरिया है. 3 घर में विजिट करोगे,
उनके साथ आप मीटिंग करोगे तो कम से कम एक घंटा तो जाएगा या आधा घंटा जाता है? मीटिंग का टाइम रहता है 45 मिनट, कम से कम 45 मिनट का मीटिंग होना चाहिए। सपोज आधे घंटे का मीटिंग हुआ तो सेशन काउंट नहीं होगा, वो सेशन काउंट ओके नहीं होगा। और उसमें उस बच्चे का माता पिता, कम से कम पिताजी तो होनी चाहिए, उसकी मदर होगी तो सेशन काउंट नहीं होगा। मदर अकेली होगी तो सेशन काउंट नहीं होगा, तो फादर पिताजी और बच्चा तो होना ही। हाँ, बच्चा तो होना ही चाहिए, उसका मामा वगैरह होगा तो नहीं होगा। वो जो डिसीजन मेकर रहता है ना घर का, सर हर एक घर का एक आदमी मुखिया रहता है, लाइक सर उनके पापा रहते हैं हर एक बच्चे के, उनको ही रहना पड़ता है। वो नहीं होगी तो सेशन नहीं काउंट करेगा, वैलिडिटी नहीं करेगा। ऑल्दो लेकिन आपको अगर क्लाइंट मटेरियलाइज हो गया तो सेशन काउंट करेंगे या वो भी नहीं? नहीं नहीं सर, तो भी नहीं करेंगे। आपका क्लाइंट मटेरियलाइज हो जाएगा, सपोज मदर इज द डिसीजन मेकर, फॉर एग्जांपल नहीं करेंगे। इन माय हाउस ये टाइप के बहुत सारे डिसीजन हैं, तो मैं मेरी वाइफ को बोल देता हूँ, यू टेक द डिसीजन, यू टेक द डिसीजन, वो भी मुझे मेरा टाइम वेस्ट मत, वो तुम खुद डिसाइड कर लो। वो अलाउड ही नहीं करते सर, जो बाजी के है ना वो बोलती है उनके पापा जी से ही कंफर्मेशन लेने का ऐसे। और क्या रहता है सर, जो बाइजूस का एक और एक फंडा है, जब मैं कॉल करता हूँ आपको पूछता हूँ तो पूरा बच्चों का इन्फॉर्मेशन कैसा निकाल, समझो आप एक पेरेंट हो, मैं एक बाइजूस का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं आपके बच्चों की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, हर एक बच्चे जो बाइजूस का जो ऐप डाउनलोड करता है, हर एक बच्चे का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा ही रहता है, तो वो क्या बोलते हैं आगे से, कभी कभी बार होता है कि सर हमारा तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, वो डल है, वो स्टडी में कुछ अच्छा नहीं, तो उसीलिए तो मैंने कॉल किया है ना सर, मैम हो या सर हो, ये जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक टाई अप किया है, गवर्नमेंट ने एक हमने कैंपेन रन किया है, एक पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक कैंपेन रन किया है, उसमें सर सिर्फ 2000 बच्चों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है ये पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें से आपके बच्चे का नाम है। और सर हम क्या कर, हाँ और हम सर क्या कर रहे हैं कि एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रख रहे हैं, और जिसके कि हमारे जो काउंसलर है ना वो आपके घर पर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, बच्चे का एक टेस्ट लेंगे, उसके हिसाब से आप तो बच्चे को समझो 20%, 30%, 40, 80, 90, 100% जो स्कॉलरशिप होगी ना वो स्कॉलरशिप दे देंगे सर। उसके बिहाइंड द रीजन क्या रहता है, ये जो स्कॉलरशिप रहती है ना, कितनी समझो 80% की स्कॉलरशिप मिली बच्चों को, प्राइज सेम ही रहते हैं, लाइक 1 लाख की प्राइज है, प्राइज बढ़ा के देते है, वो प्राइज लगाते है 1 लाख, वो प्रोडक्ट समझो तीसरी क्लास का बच्चा है तो मुझे प्रोडक्ट बेचने का है कम से कम 20,000 को, बच्चों को 90% भी स्कॉलरशिप मिली तो ही बच्चों को 20,000 देने पड़ेंगे सर, उसमें कुछ नहीं रहता, वो स्कॉलरशिप का नाम की, वो स्कॉलरशिप का सिर्फ नाम है, वो स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं है। वो बोलते हैं आपके बच्चे ने 100 मार्क्स लिए तो ये पूरा फ्री में मिल जाता, ऐसा बोलते हैं, तो उनको लगता है ना कि बाबा बच्चा थोड़ा कमजोर है, इससे कुछ कर सकता है, ये सारी चीजें करते हैं। और जो एक स्कॉलरशिप है वो टेस्ट लेते हैं, मतलब एक पेपर होता है या कुछ है, नहीं, ये बाइजूस की लिंक मुझे अभी याद नहीं है, ये बाइजूस का एक सॉफ्टवेयर है अंदर से, आपके आपके कितने ही मार्क्स आने दो, आपको जितनी फीस है ना उतनी भरनी ही पड़ेगी। अच्छा, 1 लाख रुपए है ना, समझो आपको 90% भी आपके पूरे आंसर आ गए अच्छे राइट, लेकिन आप वहाँ पे रॉन्ग दिखाएगा, 80% दिखाएगा, वो जो पूरा रहना स्ट्रेंथ आपका बच्चा कहाँ पे कम है, कहाँ पे अच्छा है, वो पूरा मैप रहता है। मतलब राइट आया, 100% राइट आया तो भी रॉन्ग डाल देंगे? हाँ, रॉन्ग बोल के इवैल्यूएशन में रॉन्ग बोल देंगे? हाँ, इवैल्यूएशन में क्या होता, बच्चे को मूल्यमापन लाइक तो वहाँ पे करते कि आपके बच्चे को 90% आ गए, और ये फीस जो सर थी ना 1,70,000-80,000 थी, और आपको कितना 90% उसमें से काट दिए जाएंगे तो कितना रहेगा सर, वो 20,000 देने का आपको। और यहाँ पे सर कैसा ओरिजिनल वैल्यू पता ही नहीं होता है उनको, ओरिजिनल उनको पता ही नहीं सर, लेकिन वो पूछे नहीं, वो पूछते नहीं है क्या, वो पूछते है तो हम निग्लेक्ट कर देते है, हमें कुछ पता ही नहीं रहता है, वो जो रहता है ना वो प्रोडक्ट बेचने वाले को पता रहता है, हम तो आपके बच्चों के टेस्ट लेने के लिए आए हैं। अच्छा, ये जो खेल है ना सर,
ये वर्ड का खेल है. राइट, शब्दों का खेल है. और सर कैसा रहता है वहाँ पे जो पेरेंट्स जो रहते हैं ना, वो रूरल एरिया की ज्यादा पेरेंट्स है ना, उससे वाकिफ नहीं रहते भाई जूस क्या है. right. उनको अच्छा लगता है ना, वो टीवी में एडवर्टाइज आती है, वो बच्चा कहाँ एडवर्टाइज दिखा दी जाती है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा. सिर्फ पेरेंट्स को और बच्चों को ड्रीम बेच के आने का, इमोशनल करने का, जो पेरेंट्स है ना उनको इमोशनल करने का. और जब इमोशनल हो जाते हैं ना, वो इजीली कनेक्ट हो जाते हैं हमसे. करेक्ट करेक्ट. और इमोशनल होके क्या करते हैं, और बच्चा उनके पिताजी है ना वो पैसा भर देते हैं. और बाजू उसका क्या है, कम से कम 5000 डीपीए बोले तो डाउन पेमेंट, और 5000 रुपए लाने का. और जो प्रोसेस बहुत लेंदी रहती है सर प्रोसेस, समझो मैंने एक सेशन किया, पेरेंट मान गए, उन्होंने डाउन पेमेंट दे दिया. तो क्या करते हैं सर, डाउन पेमेंट होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि उनको प्रोसेस में आधार कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड का फोटो, बैंक पासबुक का फोटो, एक कंसेंट का फोटो रहता है, एक हम हैंड रिटन लिखते हैं, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन का आपको एक्सेप्टेड है ना है बोल के. तो उनको क्या पता रहता है अंग्रेजी, गाँव वाले को जो फार्मर रहते हैं उनको पता नहीं रहता है. वो बोलते हैं इसी साइन कर देते हैं, और वो साइन कर देते हैं और फंस जाते हैं बेचारे वहाँ पे. टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहते हैं, ये जो रहता है ना ऑटो डेबिट रहता है, ईसीएस मैंडेट, मतलब बैंक अकाउंट से छूट कटेगा, ऑटोमेटिक कटेगा. हाँ हाँ, यस यस. तो आप करवा लेते हो? मैं हमें तो उनके तरफ से बोला जाता है ना कि ऐसे ऐसे करवाओ. जो मैनेजर रहता है ना, मैनेजर पूरा से बता देता है कि भाई ऐसा करने का ऐसा करने का. हम कर देते हैं ना, क्योंकि हमें यही कभी पर मंथ निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं? पर मंथ निकालते हैं. कितना? जो समझो एक प्रोडक्ट है 53,000 का, आप पे डिपेंड करता है कि बायजूस का रहता है एक साल ही भरना. 5000 का आपने पहले क्यों पेमेंट कर दिया, और कितने रह गए? 48,000 रह गए. 48 डिवाइडेड बाय 11 करने का, कम से कम वो 4,500 रुपए कुछ तो आएगा. वो ऐटो डेबिट होगा. और सर और एक बायजूस का है, और बायजूस बोलती है रिटर्न पॉलिसी है. क्या है, 15 या 20 दिन कुछ तो है, 15 या 20 दिन में आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न करते हैं. तब हम रिटर्न करने लगते हैं ना, तब वो फोन ही नहीं उठाते. कभी कभी फोन नहीं उठाते, रिटर्न नहीं करवाते. वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप 2-3 दिन और देख लो, आपका बच्चा सीख जाएगा. और इसमें से क्या रहता है, वो टर्म्स एंड कंडीशन लाइक 15 दिन हुए है, समझे आज 14वां दिन है, मुझे रिटर्न करवाना है. लेकिन बायजूस बोलता है, बायजूस के कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप 2-3 दिन में देखिए, 2-3 दिन में रिटर्न करवाए. लाइक वहां पे होते है 17 दिन. फिर वो बोलते हैं ये 15 ही दिन का सर था समय, तो रिटर्न नहीं करवा लेते. मतलब आपका टाइम खा लेते हैं. हाँ हाँ, वो बोल के खा जाते हैं ना. आपको लगता है कि बाबा आप, वो आपके लिए ही खड़े हैं, आप जो बोलेंगे वही करेंगे. और वो बायजूस और एक बोलता है कि आपको पर्सनली एक काउंसलर रखा जाएगा. आप जब भी आपको कम से कम 8 से 8 बजे तक जब भी आपको डाउट होगा ना, आप कॉल कर सकते हो. उसका कोई कॉल वगैरह नहीं रहता सर, उसका नंबर नहीं रहता है, वो बोलने की बात है खाली. अच्छा, वो सिर्फ बोलने की बात होती है. हाँ, और हमें भी बताया जाता है कि मैं आपको, आप मुझे 12 बजे कॉल करेंगे ना, मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा. सेल करते वक्त वही खाली चीजें सेल करते वक्त उनको बोला, मैं आपके लिए 12 बजे कॉल करेंगे ना, मैं 12. हाँ यस यस यस. और वो तो कुछ नहीं रहता. नहीं 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 उठाता. मैंने भी नहीं उठाया सर, मैंने भी ब्लॉक किया है. क्योंकि सर मैं 13-14 घंटे ड्यूटी करके आता था, उसके बाद कॉल क्यों उठाऊं सर? तो सेल कर घर का कॉल ब्लॉक कर देते हैं, पेरेंट्स का ब्लॉक कर देते. यस सर, यस वो टोकन मिल गया, श्योर हो गया, ब्लॉक कर दिया. यस सर, श्योर श्योर. 180 कॉल्स, ये मुझे जरा समझाओ. मुझे ऐसे समझ में आया है कि अटेंडेंस मार्क करने के लिए 2 क्राइटेरिया है. एक क्राइटेरिया कि आपके दिन में 120 मिनट होने चाहिए. ओके, 120 मिनट मतलब कि किसी से 5 मिनट बात किया, किसी से 10 मिनट बात किया, तो वो सब टोटल करके 120 होना चाहिए. फिर दूसरा क्राइटेरिया है और, नॉट एंड, और
दो सेशन नहीं, तीन सेशन होने चाहिए. तीन सेशन कह रहे हो कि 45 मिनट का मिनिमम सेशन होना चाहिए. और है कि एंड, एक एंड है, एंड यस, यानी तीन सेशन भी होने चाहिए, दो घंटे का कॉलिंग भी होना चाहिए, फुल दो घंटे का कॉलिंग होना चाहिए, उसमें एक घंटा 55 मिनट नहीं चलेगा. यस यस. एंड इसके ऊपर से और एक एंड ये है कि 180 कॉल्स इज इट, या वो एंड है और उसके बाद और एक एंड है. ये दूसरा तीसरा एंड क्या है, वो 180 कॉल्स का क्या है? मुझे मिलते हैं 180 लीड मिलते हैं, 25 लीड मिलते हैं. 25 लीड को कम से कम 6 या 7 बार कॉल करना पड़ेगा आपको. क्यों? क्योंकि वहां से 25 इंटू 6 कर दोगे तो 150 हो गए, और 7 करोगे तो 175 हो गए. उनको कॉल करना पड़ेगा, और 180 कॉल डायल होंगे ना, तब आपकी अटेंडेंस एक्सेप्ट लाइक लग जाएगी उस दिन. सपोज 25 लीड आपका लक अच्छा रहा, 25 लीड को आपने 25 कॉल किए, या दो एक या दो कॉल किए, 50 कॉल किए, और वो लोग सेशन के लिए तैयार हो गए. अब 25 के 25 तो तैयार होते नहीं, उसमें से समझो 10 तैयार हो गए, 10 सेशन तैयार हो गए. अभी आपको और भी कॉल करना पड़ेगा, या 10 सेशन तैयार हो गए तो हो गया आपका 50? नहीं, कॉल करने पड़ेंगे, यानी उसका भी स्ट्रेस और कॉल करना, और कॉल करना पड़ेगा सर. मेरा तो कम से कम मेरा और मेरे फ्रेंड का कम से कम 5 या 6 सेशन बुक होता था डेली, और मैं कम से कम सर हाईएस्ट एक और मैंने ब्रेक किया है कि 4 घंटे बोलते भाई, जिसमें अभी तक किसी ने नहीं किया. नॉन स्टॉप मैंने कस्टमर से भी बोला है मैंने, और 4 घंटे बात की है. और एक दूसरा और तीसरा चौथा जो एंड है ना सर, वो कम से कम सर 20 कनेक्टेड कॉल होनी चाहिए, या 3 मिनट से ज्यादा कस्टमर से बात की जाए की है उस कॉल में. 20 कनेक्टेड कॉल, तो 20 और का टाइम हो जाएगा ना, 180 कॉल कर रहे हो. नहीं होगा ना सर वहाँ तक, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है सर, ये जो बाइजूस का नंबर डायल करते थे ना, वहाँ पे स्पैम बोल के आता है. स्पैम तो हमें जो स्पैम आते हैं ना, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, काट देते हैं. और कभी कभी सर मेरे वो कस्टमर थे ना, वो गालियां भी देते एम्प्लॉय को, क्यों कॉल करो. और मेरे ऊपर तो एक ने बोला कि मैं आपके ऊपर केस एफआईआर डाल दूंगा, आपने मुझे कॉल किया था. तो मैंने मेरे मैनेजर को बोल दिया, तो मैनेजर ने बोला ये कि उनको कॉल कर, और उनको बोलो कि सिस्टम जनरेटेड कॉल है, ये पूरा फंसा देते है ना, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है. हमें भी कोई शोक नहीं कि आपको कॉल करना है, आपको लगता है ना कि आपको कॉल नहीं आए तो आप अकाउंट डिलीट कर दो, लेकिन वहाँ पे तो अकाउंट डिलीट नहीं करने का रहता है ना. आपको पूरा नंबर एक बार आपने ओटीपी डाल दिया तो नंबर तो हमेशा के लिए रख दिया जाएगा ना. और दूसरा सर क्या रहता है, समझो मेरा आज का मैंने सेशन वगैरह बुक किया था, वो क्या करते हैं सर, समझो मैंने ट्रेनिंग खत्म की, मेरा सेल वगैरह कुछ सब कुछ हुआ, मैनेजर को क्या रहता है सर, मैनेजर का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मैनेजर क्या करवाता है, समझो एक बच्चे का एक ही सेल हुआ है, दूसरा सेल नहीं हुआ है, उनके लिए कॉल काम करवाता है. मैंने क्या किया सर, मेरा टारगेट था 1 लाख का, मुझे डीडीए बनने के लिए मेरा तो टारगेट पूरा अचीव हुआ, मैंने अचीव कर लिया. और जो मैं सेशन निकालवाता हूँ ना, जो फोन करके वो सेशन क्या करते हैं, जो मेरे फ्रेंड रहते हैं ना उनको देते हैं, टारगेट में अचीव कर पाते हैं ना, जो बाइजूस में काम तो मैं करता हूँ, और उनका जो वो जो लीड रहते है ना, मैंने सेशन बुक की होती है ना, वो उनको देते हैं. काम तो मैं करता हूँ, और उसका मुआवजा तो दूसरे को मिलता है, किसी और को मिल जाता है. हाँ हाँ, और उसमें पोटेंशियल जो रहता है ना वही दिया जाता है दूसरे को. मेरे साथ एक सेल हुआ था, मैंने 8 सेल किए थे, हर एक हफ्ते में 3-4 सेल करता था मैं. तो मैनेजर बोलता था कि तू क्या कर रहा है, सही में कर रहा है या फेक में कर रहा है. समझो हमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है सेशन के लिए, जो जूम मीटिंग रहती है ना, मैनेजर को रिक्वेस्ट डाल दी जाती है, और मैनेजर जब अप्रूव करेगा ना जो रिक्वेस्ट, तब जाके हमें जूम लिंक आ जाती है, तब हम जूम लिंक उस पेरेंट को भी भेज पाते हैं, और हम जूम मीटिंग तब ले पाते हैं. तब मैनेजर मेरी रिक्वेस्ट कभी कभी एक्सेप्ट अप्रूव नहीं करवाता था. क्यों नहीं करवाता था, क्योंकि मैंने टारगेट तो अचीव किया है, जो पोटेंशियल लीड है ना दूसरे बच्चे के लिए, बच्चे बच्चे के लिए देने है, ये बोलता था, तुम मत करो ऐसा बोलता था.
समाज और काम तो सेशन आप अचीव कर रहे हो तो मत करो बोलता है, क्योंकि सर उनका परफॉर्मेंस लाइक जैसे हमारा एक जैसे कि पूरे ऑल महाराष्ट्र की एक बीडी लाइक हम बीडी थे ना, तो बीडीटी की एक ग्रुप रहता है उसपे जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है ना उसको एक अदर कंट्री में जाने की ट्रिप मिलती है। मैनेजर का भी एक ग्रुप रहता है जिसमें जो भी मैनेजर की ज्यादा से ज्यादा बच्चे बीडीए बनेंगे ना उसका भी इंसेंटिव भी हर एक बच्चे के ऊपर उनको पैसा होता है बीडीए पर, मुझे वो पता नहीं। हर एक ज्यादा समझो 20 बच्चे की बैच है और एक मैनेजर की 15 बीडीए ने क्वालिफाई किया वो टारगेट, तो उनका रैंक बढ़ जाएगा ना सर। राइट हाँ वो तो क्या करवाते हैं समझो मेरा तो टारगेट कंप्लीट हुआ था तो उन्होंने क्या करवा दिया सर, ऑफिशियल छुट्टी रहती है ना मंडे और ट्यूजडे को, ये मंडे तो पूरा दिन काम ही करवाते हैं, 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी रहता है क्या? यस यस, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है सर भाई जिसमें ऐसा होता है बोलने के लिए मंडे को भी काम करवा लेते हैं वो लोग और उसका अटेंडेंस नहीं, एक नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं। अच्छा यही सीख रहता है तभी ये जो अटेंडेंस है अटेंडेंस का फंडा यू नो नॉर्मली पहली बात है कि अगर स्कूल में जाते हैं जस्ट एक स्कूल से शुरू करता हूँ स्कूल में टीचर अटेंडेंस मार्क करती है और कभी भी ऐसे स्कूल में ऐसे नहीं होता है कि बच्चा रहेगा और टीचर ने एब्सेंट मार्क कर दिया ऐसे कभी होता नहीं है। अगर बच्चा है नहीं, नहीं तो अटेंडेंस मार्क होता है कॉलेज में लेक्चर में हर एक लेक्चर के लिए अटेंडेंस मार्क करना होता है एक प्रिंसिपल रहता है। अभी जब हम एडल्ट हो जाते हैं और ऑफिस में काम करते हैं अगर हम प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट है एब्सेंट है तो एब्सेंट है लेट है तो हाफ डे का मिलता है या अर्ली जा रहे हैं तो हाफ डे का होता है लेकिन प्रेजेंट को एब्सेंट नहीं करते हैं एब्सेंट को प्रेजेंट नहीं करते हैं और मार्किंग खुद का होता है यानी खुद के हाथ का यू हैव टू साइन योर ओन मास्टर। और अगर क्लॉक इन करने का रहता है मशीन होता है तो पंच करके अंदर जाना होता है तो वो पंचिंग ऑटोमेटिक चलता है मतलब हम लोग एब्सेंट है तो प्रेजेंट नहीं करेगा प्रेजेंट है तो एब्सेंट नहीं करेगा। यस सर लेकिन यहाँ ये लोग मैनेजर्स आपको प्रेजेंट या एब्सेंट देते हैं और वो अपनी मनमानी से। यस सर यस और उन्होंने सर और एक बात की कि वो तीन ही बच्चों को बीडीए बनाएगा क्या था सर हम हमारे टीम में और टॉलरेट करते जब हमसे कुछ काम नहीं होता था ना कुछ बच्चों से काम नहीं होता था उनके सेशन नहीं बुक होते थे वो करते थे उनका 100% देते थे हमें भी हमने भी देखा है हमारे रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मतलब ये बच्चे और टीचर वाला रिलेशनशिप बन जाता है क्या एक्चुअली? यस 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 टीचर दैट इज नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट इन अ इन एन ऑफिस यस इट इज अ बच्चा एंड टीचर रिलेशनशिप यस पूरा लाइक क्या बोलते हैं आपसे नहीं हो पाएगा टॉलरेट करके आपसे नहीं हो पाएगा आप रिजाइन दो नहीं तो आप नहीं रिजाइन दोगे ना रिजाइन का मेल नहीं लिखोगे ना मैं मेरी तरफ से रिजाइन का मेल लिखूंगा और कल से मत आ जाना। अच्छा अच्छा रिजाइन ऐसा बोल ऐसे नहीं कि पैकिंग रिजाइन इज रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन का यस, यस, मेल वो खुद लिख लेगा। हाँ ऐसा बोल देता था बच्चे सुन के क्या करते थे मेरे जो कलीग है ना वो तो बच्चे निकल ही गए छोड़ दिया उन्होंने जॉब लेट कर दिया उन्होंने कम से कम 6 बच्चे ने एक ही दिन क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है दिमाग हट जाता है। हाँ क्योंकि सर वो हाँ क्योंकि वो दिन में पूरे दिन ट्राई करते हैं कॉल करते हैं खुद से इरिटेट हो जाते हैं ना वो तो पूरा मेहनत कर रहे हैं उनका लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है वो जो मस्जिद में जो रहता है ना वो टाइम आने के टाइम जब वक्त आता है ना वही समय में मिल सकता है लाइक उसी तरह से उनके साथ हो रहा था और मैनेजर को उनको बड़ा पल देना चाहिए था कि लाइक मोटिवेट करना चाहिए वो तेरे से हो जाएगा लेकिन मैनेजर कभी ऐसा नहीं करता है उनको कैसे बच्चे चाहिए जो बच्चा काम कर रहा है ना उसके सेशन बुक हो रहे हैं ना वही बच्चा चाहिए। तो आपका जो ट्रेनिंग था वो कितना है? ट्रेनिंग के बाद बीडीए बन गए या बीडीटी में ही गए? बीडीए आपका ट्रेनिंग के बाद आप बीडीटी रहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड देन आफ्टर दैट यू बिकम बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। यस तो आपका कैसा था बिजनेस ट्रेनिंग डेवलपमेंट एसोसिएट बन चुके थे या बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग? मैं तो बीडीटी ही बन के रहेगा क्योंकि जब बीडीटी मैंने 3.5 लाख का
देखिए सर, उन्होंने बोला कि टाइजस को क्या चाहिए, रिवेन्यू चाहिए। मैंने तो 1 लाख का टारगेट था, मैंने तो 3.5 लाख कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस रहता है डीजीटी के बाद में। और एक ऑनबोर्डिंग कितना, सैलरी कितना मिला एज बीडीटी? सर एज बीडीटी मुझे कम से कम 2 महीने का, 1.5 मंथ, मैंने एक ही कौन सा एक दिन में आप सुनते नहीं, तो मेरे सिर्फ 20,000 आई है। कितना? 20 या 22 एक मंथ और 50 डेज का 22,000 से टोटल सिर्फ 22,000 मिला। यस, यानी 2 महीने काम किया, कितने, 1 मंथ 1.5 मंथ काम किया। यस यस सर। और दूसरा 22,000 मिला। एक मिनट, मैं जस्ट ये सोच, सिर्फ 22,000 मिला? यस सर। क्या हिसाब, पता नहीं सर, हिसाब तो पता नहीं। मंथली कितना देने का? 22 तो एक ही मंथ का मिला, 2 मंथ के नहीं मिले। लेकिन उसमें मेरी अटेंडेंस नहीं लगी ना, मैंने तो डेली, मैं तो एक ही कौन सा भी, ईच एंड एवरी डे में प्रेजेंट था ना वहाँ पे, ईच एंड एवरी डे पता नहीं ना। लेकिन उन्होंने एबसेंट मार्क किया ऐसे? यस यस। और उनकी गलती बेस्ड ऑन कि इतने कॉल्स नहीं हुए या इतने नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये टाइप से इतने मिनट नहीं हुए ऐसे। और एक दिन ऐसा क्या, एक दिन ऐसा हुआ था कि उस दिन बाइजूस को ऑफिशियल छुट्टी थी, लेकिन अटेंडेंस की जो कैलेंडर रहता है ना, वहाँ पे छुट्टी नहीं थी, तो क्या डालने का था, वहाँ पे छुट्टी का डालने का था, तो हमें बताया नहीं गया था ऐसा करने का क्या नहीं। तो उस दिन की ऑफिशियल छुट्टी होने के बावजूद भी हमारा अटेंडेंस नहीं लगा। अच्छा, और सेल जो किया तो 3.5 लाख का सेल किया, तो ये उनका मेथड है सेल करने का कि ट्रेनी बनाओ, फटाफट निचोड़ो, फटाफट निचोड़ो, 20-30 हज़ार देना पड़ेगा और छोड़ दो बाद में, और फटाफट छोड़ दो उसको, छोड़ दो। और अटेंडेंस मार्क करने का है तो अटेंडेंस मार्क करो, एबसेंट बोल के, एबसेंट ही बोल के उसको निकाल दो टर्म्स एंड, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने देखा कि टर्म्स एंड कंडीशन में ये सब नहीं लिखा हुआ है, ये 120 मिनट्स, 180 कॉल्स, 3 सेशन, ये सब लिखा नहीं है कहीं भी। लेकिन हमें ईच एंड एवरी डे वो बोलते हैं ना, कंडीशंस में आपका जो आपका एम्प्लॉयमेंट ये होता है ना, क्या कौन सा लेटर है वो, कॉन्ट्रैक्ट लेटर या कुछ बोलते हैं? हाँ, है ना, ऑफर लेटर, ऑफर लेटर जो भी है उसको आपने पढ़ा ध्यान से, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ये सब नहीं लिखा हुआ है। लिखा है 120 मिनट भी नहीं लिखा है, 3 सेशन भी नहीं लिखा है, लेकिन ईच एंड एवरी डे हमें यही बोला जाता है और पूरा हिसाब करते लाइक। हाँ, मतलब ऐसा है कि लिखे हुए रूल्स कुछ और हैं और एक्चुअल में रूल्स कुछ और लगाए जाते हैं। यस यस, क्योंकि लिखे में और एंड बाय द वे, और सर बाइजूस का इलीगल है बाय द वे, मैं ये भी कह दूं। यस, अगर कोई अटेंड कर रहा है और उसको एब्सेंट मार्क करना इलीगल होता है, लेबर लॉस, आपको लेबर लॉस लागू नहीं होते हैं क्योंकि आप ट्रेनिंग हो वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोर्ट में जाने का या पुलिस में जाने का हिम्मत किया, प्रॉब्लम यही होता है कि किसी को करना नहीं होता है क्योंकि उसका वो बोलता है मैं करियर बनाऊंगा ये सब करूंगा, मैं ये सब करूंगा तो मेरा करियर खराब हो जाएगा, बात तो सच, यही दिक्कत है ना। कोई करता नहीं है, कोई लड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़े तो ये पूरा इलीगल काम है, 100% इलीगल है ये 180 मिनट का, ये 120 मिनट बात करना, ये जो भी वो क्राइटेरिया है, एब्सेंट मार्क नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि दीज आर द परफॉर्मेंस टारगेट, आप परफॉर्मेंस टारगेट बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो टारगेट मीट नहीं किया, ये बोल सकते हो, लेकिन ये एब्सेंट एंड प्रेजेंट का जो फंडा है, मतलब ये 0 और 1 हो जाता है। यस सर, 180 कॉल्स नहीं हुआ, 175 कॉल्स हुआ, मतलब तुम्हारा पूरा दिन 0 हो गया। यस सर, यही होता था, बच्चे किया तो भी 0, जो कुछ भी किया, बाकी सब कुछ किया लेकिन 175 कॉल किया, तुम्हारा पूरा दिन का काम 0 हो गया। अब 0 हो गया मतलब तुम्हारा लॉस तो हो गया, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट हो गया।
फुल प्रॉफिट हो गया क्योंकि उसमें फिर देना ही नहीं है उस दिन का पगार। अच्छा बाय द वे पर डे कितना जाता है क्या वो 2000 ऐसे कुछ इज देयर अ पर डे सैलरी पर डे वेजेस ऐसा कुछ है कि प्रेजेंट डे पर प्रेजेंट डे यू विल गेट 2000 ऐसे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए वो रहता है कि पर डे 2000 का सैलरी ऐसा कुछ बिजनेस एसोसिएट के लिए रहता है। अच्छा वो सिर्फ एसोसिएट के लिए रहता है। और एक सर रहता है कि जो एकोमोडेशन का था ना कि मैंने बोला था कि एकोमोडेशन चाहिए मुझे, मैं बाहर से दूसरे गांव से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा सिर्फ यहाँ पे कॉलेज था, सबको एकोमोडेशन मिला लेकिन मुझे एकोमोडेशन नहीं मिला। मैंने एक दिन है ना दूसरे बच्चे के दूसरे मेरा फ्रेंड था ना उसके रूम पे जाके बिताया और मुझे कल जाके मुझे रात के 9 बजे एकोमोडेशन का मेल आ गया। तो मुझे एक कम से कम कितने कंपेयर टू दूसरे बच्चे से 36 आवर वेट करना पड़ा मुझे। तभी मैं बोल रहा था कि मैम मुझे एकोमोडेशन का मेल नहीं आया, मेल नहीं आया। वो बोल रहे थे कि आएगा आएगा आएगा, उससे 36 घंटे निकल गए। और मेरा फ्रेंड नहीं होता तो सर कुछ और भी बात हो सकती है ना, मेरा तो ये अननोन सिटी है ना। हाँ हाँ यही तो है ना, वो बोलते थे कि अकोमोडेशन मिलेगा लेकिन 36 घंटे के बाद अकोमोडेशन जो रहने के लिए और नाश्ता करने के लिए रहने के लिए जगह रहती है, एक रूम रहता है वहाँ से, वहाँ तो मेरा एक कलीग और मैं रहता था। मतलब और उनका ओन्ड है या होटल है कि क्या? नहीं 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 होटल रहता है, होटल होटल ओके। हॉस्टल होटल है या थोड़ा डिसेंट है? 3-स्टार होटल बीजीटी को देता है और नाश्ता वगैरह एक टाइम का नाश्ता वगैरह मिलता है वहाँ पे। और बाकी खाने पीने का खर्चा तुम्हारा खुद का? हाँ हाँ हाँ, ये तो हम खर्चे से रह रहे खाने पीने का। यस सर, नाश्ता वो और वहाँ सुबह को। हाँ और कभी कभी क्या करते हैं, समझो मेरा ऑन जॉब ट्रेनिंग, मुझे लोकेशन पुणे था ट्रेनिंग का लोकेशन। मतलब ये और मुझे का लोकेशन मतलब जहाँ पे ये ट्रेनिंग क्लासेस करते हैं वो पुणे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मुझे भेज दिया अहमदनगर को भेज दिया। ओके ये हम पे डिपेंड करेगा, मेरे मन में आएगा तो मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा, मेरे मन में आएगा तो मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा, ऐसे करते है ना ट्रेनर का वो कहता है। यस वो मैनेजर के हाथ में रहता है, वो जो ट्रेनिंग मैनेजर रहता है ना दुलीटियम, उसके हाथ में रहता है कि मुझे कहाँ पे भेजने का है। मतलब उसके हाथ में पूरा तुम्हारा पावर है कि वो एब्सेंट एब्सेंट करेगा, प्रेजेंट करना तो प्रेजेंट करेगा, वो सब पूरा उसके हाथ में पावर है। अब इतना पावर रहता है तो एक मेरा सवाल है ओके, क्योंकि किसी के पास हाथ में बहुत ज्यादा पावर चला जाता है वो पावर का दुरुपयोग होता है। तुम्हारे बैच में लड़के और लड़कियां दोनों होती थी या सिर्फ लड़के? लड़की ही थी सर। लड़की भी थे? लड़के ही थे? लड़की ही थे, ऑल बॉयज। यस 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 ठीक है। नहीं मेरा कहने का क्वेश्चन ये था कि सब कभी सेक्सुअल अब्यूज टाइप का कुछ ये हुआ था या ऐसे लगता था कि वो सेक्सुअल अब्यूज टाइप से फेवर्स ले रहा है, सेक्सुअल फेवर्स ले रहा है या दबाव डाल रहा है कि भाई तुम? यस सर ऐसे लगा होता है, होता है। हाँ हाँ होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। अदर बैच में लड़कियां थी ना उनको ज्यादा डांटते नहीं थे, पेशेंटली थोड़ा अच्छे तरीके से पेशेंस देते हैं, फेवर करते हैं। हाँ हाँ यस यस, वो जैसे बोलते हैं ना उसी तरह चलता है मैनेजर। मैंने जब मुझे जब ऑन जॉब ट्रेनिंग का अहमदनगर लोकेशन दिया था तो मैंने पहले हफ्ते में कुछ सेल नहीं किया था पहले हफ्ते में, और मैनेजर ने बोला तूने क्या दारू पी के रखी थी क्या? नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना सर, बराबर है ना। मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, मैंने उनको ये भी बोला कि नहीं हुआ सर मेरे से, लेकिन वो बोला कि तू क्या दारू पी के वहां पे बैठ के। मैंने फिर उनसे ये बोला कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना, मैं परफॉर्मेंस दूंगा, आप मुझे वैसे तरीके से बात नहीं कर सकते। अच्छा मैंने उनको डायरेक्टली बोल दिया। अच्छा समझ में नहीं आता कि छोड़ना पड़ा या फिर चले और थोड़ा लंबा चला और फिर निकलना पड़ा। और लंबा चला सर, मैंने पूरी ट्रेनिंग खत्म की। क्या हुआ 10 तारीख को मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई, 10 नवंबर को, 10 नवंबर 2021। हाँ यस सर ओके। उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन में बच्चों को कॉल आने लगी, ऑनबोर्डिंग का मेल आने लगा,
तो बच्चों ने किया क्या, जो मेरे कलीग थे ना उनको कॉल आने लगे, उनका ऑनबोर्डिंग हुआ। तो और एक फैक्ट है, कुछ बच्चों को 10 लाख का पैकेज मिला, कुछ बच्चों को 5 लाख का पैकेज मिला, और सबका परफॉर्मेंस एक ही तरह का था सर। परफॉर्मेंस ये भी पता नहीं, लेकिन किसी को 10 लाख का पैकेज मिला, किसी को 5 लाख का पैकेज मिला। यस सर, यस। अच्छा, SBDA और या SBDA और कुछ कुछ लोगों को तो 10 लाख पर एनम एंड 5 लाख पर एनम। यस सर, यस। और दोनों के परफॉर्मेंस भी सेम था, ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग में उनका परफॉर्मेंस सेम था, सेम ही था सर। कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा था तो भी 5 लाख का पैकेज मिला सर। अच्छा, ऐसे कैसे? और पता नहीं सर, थोड़ा फेवरेटिज्म टाइप से हो गया क्या? और सर, एक बच्चे का तो सेल कैसा, कब हुआ? डेडलाइन के बाद सेल हुआ। समझो मेरी ट्रेनिंग आज 10 तारीख को खत्म हो रही, तो उनका पंच बोलते हैं, ऑर्डर पंच बोले तो सेल ही पूरा सेल हुआ, ऑर्डर कंफर्म हुआ। तो एक बच्चे का 11 तारीख को कंफर्म हुआ। अच्छा, तो उस बच्चों को क्या हुआ सर, ऑनबोर्डिंग हो गई उसकी और हमारा नहीं हुआ, और एक बच्चे को एक ही सेल हुआ था, एक कैंसिल हुआ था। अच्छा, मतलब फेवरेटिज्म का माहौल चलता है। यस सर, मेरिट से ज्यादा सेवा चाकरी से। यस सर, ईच एंड एवरी टीम में वो बच्चे इस तरह के बच्चे, तुम ये मेरे लिए भगवान है, ऐसे बल्कि करवा देता है काम। मेरे साथ हुआ है ना, मेरे से भाई 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 बोलते काम करवा देता था, और वो जो करने का था ना उसने तो बीच में करवा ही दिया, और सामने भाई बोल के काम करवा दिया। और सर क्या हुआ, जो करने का है ना, जो मैं उनका तो पहले से फिक्स था कि इन बच्चों का ऑनबोर्डिंग नहीं करने का, क्योंकि कुछ सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो सिर्फ हमें तो बोल रहे थे कि आप सैलरी मिला 2 महीने का, तुमने कंप्लीट किया, फिर भी एक ही महीने का सैलरी मिला। हाँ सर, हाँ, 2 महीने का तुमने अटेंडेंस किया, 1.5 महीने का, 1.5 महीने का तुमने कंप्लीट किया, लेकिन 2 महीने का पीरियड था ना, या 1.5 महीने का? नहीं नहीं, 1.5 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड था, तो सैलरी सिर्फ 1 मंथ का मिलता है। उनको ही पता होगा सर, वो जो अटेंडेंस है ना, उनको ही पता है रूल्स वगैरह, सब अटेंडेंस मार्क लगाते हैं सब। हाँ, वो भी तो मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो क्या था अटेंडेंस का क्या था। और उससे बहुत बच्चों के करियर खत्म हुआ है सर। अच्छा, इसके बाद ये आपने नवम्बर में खत्म हुआ, राइट? खत्म, ट्रेनिंग खत्म हुआ और ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ, मतलब ऑफ बोर्डिंग हो गया। yes. आपने सेल्स किया 3.5 लाख का और आपको मिले 22,000। yes, ठीक है। उसके बाद आपने आगे लाइफ में कुछ कर पाए, आप सेल्स कुछ कर रहे थे या क्या हुआ? मैंने सर क्या किया कि बच्चों को आने लगी मेल वगैरह, मतलब मैंने क्या किया सर को बोल दिया, मैंने मैनेजर को बोल दिया कि सर मेरा ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो बोला कि मैंने जो आपका डेटा है ना, और एक सेंट्रल टीम रहती है ऑनबोर्डिंग की, उनको भेज दिया है, वो आपको इवेल्युएट करेंगे, आपको बता देंगे, आपको मेल करेंगे। लेकिन मैंने सेंट्रल टीम को मेल किया और सेंट्रल टीम ने बोला कि आपका तो डेटा ही नहीं आ गया है अभी तक। अच्छा, सेंट्रल टीम ने बोला डेटा ही नहीं आया? आपका डेटा ही नहीं आया, मतलब डेटा सबमिट ही नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। ओके। तो उस टाइम में मैंने तो क्या किया, सीनियर मैनेजर को मैंने मेल कर दिया, और जो सर कोई भी हेल्प नहीं करता, भाई जिसने सब मिलजुल के रहते, जो मैनेजर रहता है, सीनियर मैनेजर, एडीएम रहता है, उसके ऊपर का जो रहता है ना, वो आपकी कोई सुन नहीं देता। जैसे कि वो अंदर से बोलते होंगे कि इस बच्चे को क्यों लिया, क्यों, वो अंदर से उनको डांटते होंगे, लेकिन हमारे साथ तो कुछ बात ही नहीं करते, मेल का रिप्लाई नहीं देते, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देते, कुछ नहीं देते। मैंने सर सबको कम से कम 8-8 बार मैंने मेल किया है सबको, सेंट्रल टीम को, ऑनबोर्डिंग टीम को पूरे, और जो बायजूस के ऑनर है ना उनको भी किया है मेल, सबको किया है, लेकिन किसी ने हेल्प की कोई वहां पे तो गुंजाइश ही नहीं है। वो बाद में बोल जाते थे ये ब्लैंक कॉल की वजह से निकाला गया है, ये क्या क्या आपको पहले तो बोला था ना, ये ब्लैंक कॉल था, ये था, वो नहीं बोलते ना, नहीं
वो बाद में बोलते हैं ना, आपने वो किया था वो किया था, हमें कुछ याद रहता है ना, कुछ याद रहेगा, आप फील करवाते हैं लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं। समझो, आपको जस्टिफाई करने का मौका तो मिलना चाहिए ना, बराबर है ना, करने का मौका नेचुरल। एक बच्चा है जिसने 3.5 लाख का सेल कर दिया है, 1 लाख का टारगेट है, उसने 2.5 लाख ज्यादा कर दिया है, तो समझो उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। और मुझे मार्च में कॉल आ गया था बागेश की तरफ से, आपसे क्या हुआ था, और उन्होंने अच्छे तरीके से बात की, और जो मैंने ये सारी मार्च 2022 में यस कॉल आ गया, उस टाइम में बोला कि बायजूस ऑनबोर्डिंग क्यों नहीं हुआ। ये जो सारी आपसे बात की है ना, मैं उसी तरह से उनके साथ बात किया और उन्होंने फीडबैक दिया टीम को कि कुछ भी हो सकता है बायजूस में। और क्या हुआ सर, एक पेरेंट्स था जिसका पेमेंट क्या हुआ था सर, अटक गया था, डाउन पेमेंट किया था मेरे से, मुझे क्या दी थी, मैंने बायजूस के अकाउंट में डाल दिया था, लेकिन उसको पूरा कितना दिन रिफंड के लिए कम से कम 3 महीने लगे, 3 महीने। और मैंने मैनेजर को बोला कि वो कस्टमर रिफंड लेना चाहता है, तो मैनेजर ने क्या बोला, वो कस्टमर मुझे कॉल करना चाहिए, मैं तब रिफंड करूंगा, आप मुझे कॉल मत कीजिए, आप मुझे इरिटेट मत कीजिए। मैनेजर ने मुझे ब्लॉक कर दिया था उसी टाइम। कस्टमर आपसे उम्मीद रखता है लेकिन आपसे उम्मीद नहीं रखना कस्टमर को। बोलने के टाइम में जब सेल करवाते हैं ना, तो उनके यहाँ पे हमारा आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, मैनेजर का तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना सर, जो सारा आधार कार्ड पैन कार्ड हमारा दिखाना पड़ेगा, जो कुछ होगा वो घर पे आएगी, मेरे घर पर आएंगे, मैनेजर की तो घर पे नहीं आएंगे। फिर बाद में मैंने बोला ना, वो जाके कल मेरे घर पे आ जाएगा, तो वो बोला कि मैं उनको बोलने क्योंकि मैं सिस्टम में नहीं हुआ अभी, आप मुझे कॉल मत कीजिए, लेकिन वो आगे जाके आ सकते हैं ना सर घर पे, FIR कर सकते हैं ना वो बिल्कुल कर, पैसे लेने के लिए तो मैं आ गया था, मैनेजर तो नहीं आ गया ना। करेक्ट। और सर उनको मेल, समझो एक अनपढ़ आदमी है, उनको मेल नहीं लिखना आता है इंग्लिश में, तो क्या करेगा सर, वो बायजूस को मेल लिखना पड़ता है कि बाबा मेरा रिफंड था, मुझे रिफंड करवाना है, और ये मेरा ऑर्डर नंबर है, ये मेरा पेमेंट का नंबर, इनवॉइस नंबर है, ये पूरे डालने के बाद आपको रिफंड मिलता है। दो कैंसल ऑर्डर पे @ cancel.co कुछ तो है बायजूस का, वहां पे मेल डालना पड़ता है, और सेल्स टीम को डालना पड़ता है, 2-3 जगह पे डालने के बाद आपको ऑर्डर कैंसिल होके आपको रिफंड मिलेगा। तो मतलब मेल फिर आपने करवाया क्या? क्या हाँ, मैंने तो उनसे बहुत बात की लेकिन मैनेजर नहीं सुने, तो मुझे अनऑफिशियली क्या करना पड़ा, उस कस्टमर के घर पे जाके, वो कस्टमर क्या करता था, मुझे कॉल करता था ईच एंड एवरी डे, मैं तो ब्लॉक किया, तो उसके पास में तो मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड था, और गाँव से कितना नजदीक था सर, वो बस 20 या 30 किलोमीटर दूर होगा, वो तो इजीली आ सकता था ना, वो घर पे पहुंच जाएगा, वो घर पे पहुंच जाएगा, तो अंदर FIR कर देगा, मैंने वो भी बोला ना, वो बवाल कर देगा, नहीं वो कैसे बवाल कर देगा, मैनेजर ने बोला वो तो नहीं कर सकता ना, ये तो सिस्टम के गलत हुआ ना, मैंने बोला ना ये सिस्टम के गलत है, लेकिन मैंने वो उसको, वो जो अनपढ़ है उनको नहीं आता है, वो मारामारी कर अंग्रेजी बवाल, सपोज वो नहीं कर सकेगा, वो मारामारी करेगा, वही तो बोला ना, यही बोला, नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो उस टाइम में ब्लॉक कर दिया मैनेजर, तो क्या मैं कुछ नहीं, मैंने तो कुछ मैं मैनेजर को कॉल भी नहीं कर सकता ना, ब्लॉक कर दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब एक टाइम हिट एंड रन, ये हिट एंड रन टाइप का सेल्स है, सेल्स करो बेचो निकलो भागो। यस सर, ऐसा है, किसी तरह से सेल्स करवा दो, ट्रेनिंग से सेल्स करवा दो, फिर वो ट्रेनिंग सेल्स कर देता है, फिर निकल जाओ, फिर भाग लो। यस सर, बहुत सारे बच्चों के साथ यही हुआ है, इतना सब कुछ हुआ सर, भयंकर सिस्टम है। बहुत। इसके बाद फिर तुमने कोई सेल्स का नौकरी लिया, कुछ किया आगे अपना? नहीं सर, मैंने, मेरा तो मोटो था कि सॉफ्टवेयर IT का सेक्टर ज्वाइन करना था, और मुझे अभी IT में जॉब मिला है। अच्छा, IT, अभी IT में, वहाँ पे एकदम आराम से रहता है कि
9 बजे से चालू रहता है, 5 बजे को छुट्टी हो जाता है। और सर अटेंडेंस तो तुम्हारे हिसाब से अटेंडेंस रहता है जिस दिन वो तुम पूरा और वर्क फ्रॉम होम है कुछ वो नहीं। मैंने सब सुबह सुबह अटेंडेंस लगा दी कुछ भी हो और कुछ जो छुट्टी चाहिए ना मैं तुरंत ले सकता हूँ, हाफ डे वगैरह ले सकता हूँ, बाइजूस में हाफ डे वगैरह कुछ नहीं रहता है। मतलब ये सही कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट जॉब बोलते हैं तो ये कॉर्पोरेट जॉब है कि तुम एक सिस्टम से काम करते हो। ये इन लोगों का सिस्टम, इसको सिस्टम नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सिस्टम तो नहीं है और लीगल नहीं है ये अटेंडेंस मार्क करना, प्रेजेंट एबसेंट, ये इसका जो खेल है ये लीगल नहीं है, ये पूरा इलीगल काम हो रहा है। बच्चे के साथ भी खेलते और हमें जो खिलाते हैं हमें भी खेला खेलने के लिए कहते हैं जो पेरेंट के साथ पांच शब्दों का खेल खेला जाता है ना वो पूरा इसमें सब वही करता है। आपके साथ भी खेल रहे हैं, पेरेंट के साथ भी खेल रहे हैं। हाँ वही तो करते हैं। जब पेरेंट मना कर देता है मुझे नहीं लेना है तो क्या करता है तो मैनेजर बोलता है पेरेंट जब तक नहीं लेगा ना तब तक आप उठोगे नहीं वहां से। अरे बाप रे, जब तक नहीं होगा जब किसी बच्चों का सेल नहीं होता है ना लास्ट वीक तक तो मैनेजर बोलता है आपका सेल जब तक नहीं होगा ना वो पैसा देना ही चाहिए, नहीं देगा ना तो नहीं उठोगे आप वहाँ से, घर में पैसे नहीं देगा वहाँ से। आप फोन लगा मुझे फोन लगाओ मैं बात कर रहा हूँ। वो क्या करता है वो थोड़ा दबा के बात करता है कस्टमर से, थोड़ा ऊंची आवाज में बात करता है तो उस टाइम कस्टमर को समझ भी नहीं आता ना जो कस्टमर को कस्टमर को डोमिनेट कर रहा है। यस यस यस, कस्टमर को तो अच्छी तरीके से हिंदी भी नहीं आती है, मराठी थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, अंग्रेजी तो दूर की बात है। तो कस्टमर क्या करता है इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, चलो जाने दो 5,000 गए तो गए बोल के ये करवाता है और फंस जाता है आगे प्रेशर में आ जाता है। यस यस पूरी तरह से। और तुरंत जब 5,000 देता है ना कस्टमर, 2 या 3 दिन के बाद अंदर कॉल आता है कस्टमर का, सर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। अरे बाप, तब वो बायजूस की टीम जो बायजूस के रहते ना, नहीं नहीं सर आप लेके देखो आपका 15 दिन में फोकट है फ्री है, उसके बाद में आपको नहीं चाहिए तो आप कैंसिल करवा देते यार आपका पूरा पैसा रिफंड होगा। और उसके बाद में वो बोलते 12 दिन हो गए तो बोलते आप 5 दिन वेस्ट कीजिए, तो 5 दिन हुए तो 17 दिन हो गए, फिर बाद में आप रिटर्न नहीं करवा सकते ना। और ये सारी चीजें होती है और ECS मैंडेट अगर साइन करवा लिया है ऑटोमेटिक डिडक्शन को स्टॉप करना बहुत मुश्किल काम है। यस सर, उस और क्या हो जाता है नहीं कैंसिल कर सकते तुम, और आपको क्रेडिट का परफॉर्मेंस रहता ना वो भी आपका परफॉर्मेंस बिगाड़ के रखेगा बायजूस बहुत सारे कंपनी। बच्चे का परफॉर्मेंस एक वर्ष सिबिल स्कोर पेमेंट रोक दोगे तो सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा 100%। राइट, इसके डर से लोग रोकते नहीं। हाँ यही तो है ना, मेरे कस्टमर ने तो मुझे मैसेज किया सर, फेब्रुआरी में मैसेज किया, मैसेज नहीं था तब मुझे मैसेज किया सर आपने तो मुझे बहुत बुरा फंसा के रखा है। तब मुझे मेरे पास शब्द नहीं थे ना, मैं उनको कुछ मुझसे बात करूँ कैसे बात करूँ, और बोला कि मेरे परिवार में कुछ होगा ना उसके जिम्मेदार आप होगे। तब मैं उस टाइम में बहुत डर गया सर, उस टाइम में मैं क्या करूँ सर, बाजू तो नहीं आएगा ना, अभी तो सिस्टम से निकाला है। वो कस्टमर का कितना जा रहा था? सिर्फ 53,000 है। लेकिन 53,000 गाँव वाले के लिए बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है ना सर, फैमिली है बच्चा है, छोटे इनकम वाले फैमिली के लिए 53,000 बहुत भारी अमाउंट है। और सर बायजूस का कैसा रहता है, वो एक कैब रहता है उससे बायजूस से तंग आता है बच्चा डेली लाइफ से। अच्छा, वही करना पड़ता है, वही करना बायजूस का वो एजुकेशनल तंग आ जाता है। यस यस, उससे कुछ नहीं समझ में आता बच्चों को। अच्छा, वो मुझे बोलता है बच्चे ने कॉल करता है इजी करता है सिलेबस को इजी कर रहा है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोलने का भाषा है। लाइक वो बोलते हैं कि हमारे जो फेफड़ों के कितने पार्ट होते हैं, तो वो गांव वाले को तो पता नहीं, वो डायरेक्टली बोलते हैं सर, जो बोलते हैं सर आपको पता है कि फेफड़ों के कितने पार्ट होते हैं? लोब्स होते हैं ना, तो लंग्स में छोटे छोटे लोब्स होते हैं, वैसे दो ही लंग्स हैं,
लेकिन एक्चुअली वो अपर लोब, लोअर लोब, लेफ्ट लोब, सिक्स लोब करके एक एक साइड में दो है, एक साइड में तीन है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ है। बड़ा रहता है एक साइड का, थोड़ा छोटा रहता है। माइंड भी सर टोटल छह है। छह है क्या? अच्छा, तो गांव वालों को पता नहीं रहता है कि गांव वाले तो बोलते हैं यार हमने हमारे अंदर होने के बावजूद हमें पता नहीं कि यार इतने ये कैसा चीज है, ये बायजूस क्या है, बायजूस है इतना अच्छा बढ़ाता है। और एक 3D मॉडल दिखाया जाता है ना कि आपने पूरे लंग्स का, उसमें से फिर क्या करता है, पहले दो लोब्स पूरा दो इधर का लेफ्ट का और राइट का दिखाता है, और उसमें जो पार्ट है ना उसके बाद में 3D टेक्नोलॉजी से एक एक करके दिखाया जाता है, एक ही वीडियो है। लेकिन आगे जाके तंग आते है ना, एक साल में वो 3 साल का लेते हैं बायजूस पैसा, और फिर बाद में वो लोग यूज भी नहीं करते, वो मंगाते भी नहीं है मेरे साथ आगे जाके, उसको क्या बायजूस के क्या पैसा आ गया ठीक है, उसके बाद में आप करो करे लेक्चर करो नहीं करो वो कुछ नहीं बोलेंगे। समझो मैंने एक ट्यूशन लगाया तो ट्यूशन वाला बोलता है आप क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन बायजूस नहीं बोलेगा आप क्यों नहीं आ रहे हो, वो पैसा आने तक बोलेगा आप क्यों नहीं आ रहे हो। लेकिन जो बाहर के जो टीचर रहते हैं ना वो देखते हैं बच्चों का भी परफॉर्मेंस बढ़ना चाहिए, बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो मेरी मार्केट में वैल्यू आएगी, लेकिन बायजूस का सिर्फ पैसों पे ध्यान रहता है कि मेरे पैसे आने जो बाद में कॉल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, नहीं इंटरेस्ट नहीं, पूरा बच्चा क्या कर रहा है कुछ कर रहा है उसका कुछ लेना देना नहीं आगे जाके।